Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel. And yes, 15th February 2018, एक और दिन का करंट अफेयर्स लाइव हो चुका है, तो जल्दी से तैयार हो जाइए क्योंकि अब करेंगे हम सारी की सारी हेडलाइंस का डिस्कशन. एंड यस, वी हैव जीए गुरु टुडे विद अस, तो वो बताएंगे हर एक हेडलाइन के एडिशनल प्रोस्पेक्ट्स और एस्पेक्ट्स की क्या क्या फैक्ट्स हो सकते हैं. होप यू ऑल आर रेडी नाउ, सो लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द हेडलाइंस. एंड यस, डू नॉट फॉरगेट, लिंक को शेयर करना है आपको बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ भी, बिकॉज कनेक्टिविटी ऑफ योर्स एंड योर फ्रेंड्स आर ऑल्सो टू इम्पॉर्टेंट टू गेट द कनेक्टिविटी ऑफ दिस सेशन एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के डिस्कशन में सबकी अटेंडेंस बिल्कुल जरूरी होती है. तो चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं सेशन की शुरुआत विद द वेरी फर्स्ट हेडलाइन फॉर टुडेज सेशन. एंड हियर इट इज, आर के सिंह हैज इनॉग्रेटेड द इंडियन पावर स्टेशन 2018 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस. आर के सिंह ने संचालन और रख रखाव पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारतीय ऊर्जा प्रतिष्ठान 2018 का उद्घाटन किया. सो इम्पॉर्टेंट सेशन स्टार्टिंग विद एन इनॉग्रेशन हेडलाइन. अब जे गुरु से बिल्कुल जान लेते हैं कि सर इंडियन पावर स्टेशन और ये कॉन्फ्रेंस किस तरीके से हम याद रख सकते हैं. गुड मॉर्निंग फ्रेंड, यहाँ पर बात करें सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये कॉन्फ्रेंस का नाम क्या है. एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है जिसका नाम है इंडिया पावर स्टेशन 2018. बेसिकली ये आज के 13 फरवरी, जैसा कि डेट में भी आपको दिख रहा है, इमेज में दिख रहा है, 13 से लेके 15 फरवरी, मतलब 13 फरवरी को स्टार्ट हुआ था, 15 फरवरी आज इसका कंक्लूजन आ जाएगा. और ये कहा जाता है कि इसके लिए बोला गया है कि जो एक सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन है उसकी स्थापना हुई थी 13 फरवरी 1982 को. याद रखिएगा 13 फरवरी 1982 को सिंगरौली पावर स्टेशन की पहली यूनिट की स्थापना हुई थी और उसी के स्थापना दिवस के रूप में इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन पावर मिनिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है. पॉइंट समझना, सिंगरौली थर्मल सुपर थर्मल पावर स्टेशन जिसकी स्थापना 13 फरवरी 1982 को हुई थी उसी के स्थापना दिवस के रूप में इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया जाता है. इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा, या यू कह सकते हैं इनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया, जिनका नाम है आर के सिंह. तो यहाँ से दो पॉइंट निकल कर आते हैं कि आर के सिंह के पास दो मिनिस्ट्री है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो आरा बिहार है. मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिया पावर स्टेशन 2018 इज अ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस. आर के सिंह जी के द्वारा ये कहा गया कि इस कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन किया गया है वो एनटीपीसी के द्वारा किया गया है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन. और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का ही पहला जो थर्मल पावर प्लांट था सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो कि उत्तर प्रदेश में है उसकी स्थापना की गई थी. तो ये कहा जाता है कि एनटीपीसी जितनी भी हमारे देश के आसपास नेबरिंग कंट्रीज हैं वहां तक भी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको बेचे, उसका एक्सपोर्ट करे, ये इंटरनेशनल लेवल पर वर्क करे, इसलिए इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिया पावर स्टेशन 2018 का वेन्यू क्या है, न्यू दिल्ली. इसके द्वारा इनॉग्रेशन रहा आर के सिंह के द्वारा. एनटीपीसी की बात करें तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन फाउंडेशन ईयर इज दी 1975, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली एंड द चेयरमैन एमडी इज गुरदीप सिंह. एग्जैक्टली, तो सारे फैक्ट स्क्रीन पे अवेलेबल है, पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. यू नी नॉट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग क्योंकि सारे फैक्ट्स आपके पास रहेंगे फॉर द रिविजन प्रोस्पेक्ट. चलो आगे बढ़ते हैं अगली हेडलाइन की तरफ. एंड हियर कम्स द नेक्स्ट वन. Noted writer and journalist Muzaffar Hussain has passed away recently. He was 78. मशहूर लेखक और पत्रकार मुजफ्फर हुसैन का हाल ही में निधन हो गया. वे 78 वर्ष के थे. So obituary headline, yes of course. तो अब यहाँ पे इस न्यूज हेडलाइन से कैसे क्वेश्चन बनेंगे? देखिए मैम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, इसलिए डेफिनेट एग्जामिनेशन का एक पार्ट बन सकता है. मशहूर लेखक और पत्रकार, अब देखिए यहाँ से कीवर्ड निकल कर आता है, ये राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं और नेम इनका मुजफ्फर हुसैन, और एग्जामिनेशन के लिए मोर देन इनफ रहता है इतना. अपार्ट फ्रॉम बात करते हैं तो ही वॉज बॉर्न इन मध्य प्रदेश, जो अभी सिनेरियो देखने को मिल रहा है बैंक एग्जामिनेशन में नहीं बट एसएससी में आता है कि वह किस स्टेट से बिलोंग करते थे. तो याद रखिएगा मुजफ्फर हुसैन का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश से वह बिलोंग करते थे. पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर टू, वह एक राइटर थे, जर्नलिस्ट थे. 2002 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था जो भारत का चौथा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है. तो एग्जामिनेशन के लिए याद रखने के लिए कि पद्मश्री अवार्डी राइटर जर्नलिस्ट का देहांत हुआ उनका नाम क्या है, सो आंसर मुजफ्फर हुसैन. महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इनके द्वारा किए गए जर्नलिज्म में योगदान के लिए लोकमान्य तिलक जीवन गौरव अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया था. तो याद रखना लोकमान्य तिलक जीवन गौरव अवार्ड फॉर जर्नलिज्म बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा इन्हें यह अवार्ड भी दिया जा चुका है.
एग्जैक्टली तो सारे फैक्ट्स वंस अगेन आर अवेलेबल ऑन द स्क्रीन. ऑबिचरी में नाम एक और जुड़ा है तो उस लिस्ट में एक नाम एक फील्ड और आज जुड़ जाएगी. तो चलिए इसी जोड़ने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, बढ़ते हैं अगली हेडलाइन की तरफ. इंडिया रशिया एग्रीकल्चर बिजनेस समिट वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली. भारत रूस कृषि व्यापार सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ. सो इंडिया एंड रशिया बिल्कुल, और एग्रीकल्चर बिजनेस की बात हुई है तो ऑब्वियसली बात है कि दोनों के लिए दोनों कंट्रीज में बेनिफिट्स और प्रोस्पेक्ट्स पे कई सारी बातें हुई होंगी. तो क्या इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहे जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं? देखिए अगर बात करें तो एज सच कोई एग्रीमेंट तो नहीं देखने को रहा, बट यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट ये निकल कर आता है इसका वेन्यू है क्या न्यू दिल्ली दिख रहा है. इसके अलावा इसके साथ एक पैरेलल एक इवेंट और ऑर्गेनाइज किया गया था जो रशिया और इंडिया की एग्रीकल्चर जो रिलेशनशिप है उसके 70 वर्ष पूरे होने की खुशी में, और जो ये इवेंट रहा था 70 ईयर का सेलिब्रेशन ये राजस्थान के सूरतगढ़ में रहा था. तो आते हैं देखते हैं यहाँ से मैक्सिमम जो एग्जामिनेशन के लिए पॉइंट निकलते हैं. इंडिया रशिया एग्रीकल्चर बिजनेस समिट वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली, पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर टू, इट वॉज ऑर्गेनाइज बाई द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर. मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा इसका आयोजन किया गया और वहां पर जो उपस्थित थे उनका नाम था मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर गजेंद्र सिंह शेखावत. उन्हीं के बिल्कुल कह सकते हैं उनके द्वारा इसे एड्रेस किया गया था, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है निर्वाचन क्षेत्र है जोधपुर राजस्थान. मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की बात करें तो वो है राधा मोहन सिंह, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पूर्वी चंपारण बिहार. प्लीज रिमेम्बर यहाँ पर दो मिनिस्टर की बात हो रही है, एक मिनिस्टर जो कि कैबिनेट मिनिस्टर है राधा मोहन सिंह निर्वाचन क्षेत्र पूर्वी चंपारण बिहार, एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बात हो रही है जो उनके साथ वर्क करते हैं उनके अंडर वर्क करते हैं. तो उनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जोधपुर राजस्थान. इस इवेंट के पैरेलल इंडिया रशिया एग्रीकल्चर बिजनेस समिट के पैरेलल जो नई दिल्ली में हुआ एक और इवेंट रहा जो जिसके लिए जो सेलिब्रेट किया गया था फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ 70 इयर्स ऑफ एग्रीकल्चर रिलेशनशिप, एग्रीकल्चर रिलेशनशिप के 70 वर्ष पूरे होने की खुशी में, और वो रहा इवेंट सूरतगढ़ राजस्थान. वहां पर एक जॉइंटली कह सकते हैं कि राजस्थान मतलब कि गजेंद्र सिंह शेखावत और इन्हीं के काउंटर पार्ट जो रशिया में है एग्रीकल्चर मिनिस्टर है उनके द्वारा एक रशियन मशीनरी म्यूजियम का भी इनॉग्रेशन रहा था सूरतगढ़ राजस्थान में. तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इन विच सिटी रशियन मशीनरी म्यूजियम वॉज इनॉग्रेटेड, तो आंसर इज दी सूरतगढ़. अपार्ट फ्रॉम बात करें तो रशिया के स्टैटिक फैक्ट, कैपिटल इज मॉस्को, करेंसी इज रूबल, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एंड द प्राइम मिनिस्टर दिमित्री मेदवेदेव. एग्जैक्टली, तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं इस समिट से और एक और इवेंट से, तो आपको यहाँ ये सब ध्यान रखना पड़ेगा. इसके अलावा एक कमेंट बॉक्स का कमेंट अगर ले लें कि स्पीड टेस्ट कहाँ से मिले, तो रानी यू कैन विजिट द माई शॉप वेबसाइट ऑफ महिंद्रा गुरु, दैट इज myshop.mahindra.org. वहां पे जाके आप अपना जो भी रिक्वायर्ड स्पीड टेस्ट कार्ड है वो परचेज कर सकते हैं. रादर यू कैन ऑल्सो विजिट द नियरेस्ट ब्रांच फॉर मोर एंड मोर डिटेल्स, और आपको क्लासेस और स्पीड टेस्ट के बेनिफिट्स भी पता चल जाएंगे. तो विच एवर सिटी यू बिलोंग, आप वहाँ की नियरेस्ट ब्रांच को डेफिनेटली विजिट करें ताकि आपको स्पीड टेस्ट देने का और सिनेरियो अच्छे से क्लियर हो जाए. लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट हेडलाइन एंड हियर इट इज. Former Union Minister and Senior TDP Leader Bola Bulli Ramaiah died. He was 92. पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ टीडीपी नेता बोला बुल्ली रमैया का निधन हो गया है. वे 92 वर्ष के थे. सो यस, एन ऑबिचरी वंस अगेन. और इसके अलावा फील्ड एंड नेम इतना तो यहाँ पे क्लियर होता है. और क्या एस्पेक्ट है, बिल्कुल जय गुरु से पूछ लेते हैं कि कैसे अब इस नाम को और अच्छे से याद रखा जाएगा. देखिए टीडीपी की बात करते हैं तुरंत क्लियर स्ट्राइक करने लगता है कि आंध्र प्रदेश की बात हो रही है. तो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर और सीनियर टीडीपी लीडर बोला बुल्ली रमैया का देहांत हो गया और वह आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे. यहाँ पर बात करें तो 8वीं, 9वीं, 10वीं और 12वीं लोकसभा रही थी. उन्होंने वहां से इलुरु जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वहां से उन्होंने जीत प्राप्त की थी. कह सकते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे थे इलुरु आंध्र प्रदेश से 8वीं, 9वीं, 10वीं, 8th, 9th, 10th और 12th लोकसभा चुनावों में. तो देखिए यहाँ से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है बोला बुल्ली रमैया रिलेटेड टू आंध्र प्रदेश, पॉइंट नंबर वन. सेकंड पॉइंट यहाँ से निकल कर आता है किस फील्ड से बिलोंग करते थे, तो सेकंड आ जाता है कि वो पॉलिटिशियन थे. आंध्र प्रदेश की बात करें कुछ फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, कौंदिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क और पापीकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. देखिएगा एग्जामिनेशन में अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क दोनों आ रहे हैं, दो क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं इस टाइम पर, एक नेशनल पार्क से एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से. तो आप दोनों को ही पैरेलल लर्न करते चलिएगा, कौंदिया कोरिंगा श्री वेंकटेश्वरा और पापीकोंडा. एग्जैक्टली, तो ऑबिचुरी की एक और हेडलाइन, ऑबिचुरी की एक और फैक्ट्स यहाँ पे, और ऑबिचुरी से रिलेटेड सारे के सारे पॉइंट्स आर क्लियर नाउ.
So let's move on and let's proceed to the next headline. Wipro and Tata Steel have been selected as the world's most ethical companies for 2018. Wipro और Tata Steel को 2018 के लिए विश्व की सबसे नैतिक कंपनियों के रूप में चुना गया है. तो Tata Group की Tata Steel और इसके अलावा Wipro वर्ल्ड मोस्ट एथिकल कंपनीज. तो बिल्कुल पूछते हैं सर से कि सर ये किस तरीके से लिस्टिंग तैयार होती है. देखिए अगर मैं बात करूं कुछ स्टूडेंट कॉमर्स के रहे होंगे तो वो बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हैं कि एथिक्स और कम्युनिकेशन का एक अलग ही टॉपिक रहता है कंपनीज के लिए, उन्हें फॉलो करना पड़ता है. तो यहाँ मोस्ट एथिकल कंपनीज की बात करें वर्ल्ड वाइड तो विप्रो एंड टाटा स्टील को 135 कंपनीज में शुमार किया गया है. टोटल 135 कंपनीज में टू इंडियन कंपनीज हैं, एक विप्रो जो टाटा स्टील और दूसरी टाटा स्टील जो वर्ल्ड की मोस्ट एथिकल कंपनीज में जिनका नाम आया है फॉर 2018. इसकी बात करें यहां से तो किसके द्वारा रिलीज किया गया, तो यूएस बेस्ड थिंक टैंक एथिस्फेयर इंस्टीट्यूट, याद रखना है आपको, बाय यूएस बेस्ड थिंक टैंक या पॉलिसी मेकर भी कह सकते हैं हम, एथिस्फेयर इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया वर्ल्ड की मोस्ट एथिकल कंपनीज फॉर 2018 की लिस्ट को, जिसमें कि विप्रो लिमिटेड और टाटा स्टील लिमिटेड को शुमार किया गया है, इंक्लूड किया गया. माइक्रोसॉफ्ट, डेल, सेल्सफोर्स एंड एडोब ये अदर कंपनीज रही हैं जो कि वर्ल्ड की मोस्ट एथिकल कंपनीज में इनको भी इंक्लूड किया गया. यहाँ रैंकिंग वगैरह पे फोकस नहीं करिए कि फर्स्ट क्या है या सेकंड क्या है थर्ड क्या है, यहाँ पर सिर्फ इंक्लूजन की बात हो रही है कि 135 कंपनीज में कोई यहाँ पर रैंकिंग नहीं दी गई तो फर्स्ट पे कौन है या लास्ट में कौन है. सिर्फ आपको इतना याद रखना 135 कंपनीज है विप्रो लिमिटेड भी और टाटा स्टील इंडिया की दो कंपनीज है. मतलब विप्रो की बात करें फाउंडेशन ईयर 1945, हेडक्वार्टर बेंगलुरु, चेयरमैन अजीम प्रेमजी. टाटा स्टील की बात करें फाउंडेशन ईयर 1907, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र एंड द एमडी टी वी नरेंद्रन. एग्जैक्टली. तो विप्रो और टाटा स्टील के स्टैटिक फैक्ट्स हमको कमेंट बॉक्स में भी देखने को मिल गए हैं. सो दैट इज अ रियली नाइस एफर्ट फ्रॉम योर साइड जो आप डेली बेसिस पे करते हैं और करंट अफेयर्स लाइव के सेशन को सक्सेसफुल बनाते हैं. सो आई वुड डेफिनेटली से वंस अगेन कीप अप द स्पिरिट, कीप अप शेयरिंग द फैक्ट्स एंड यस शेयर योर अवेयरनेस. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट हेडलाइन एंड ये रही. मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस हैज लॉन्च्ड इट्स डिजिटली इनेबल्ड न्यू हेल्थ इंश्योरेंस प्लान गो एक्टिव. मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस ने अपनी डिजिटल रूप से सक्षम नई स्वास्थ्य बीमा योजना गो एक्टिव को लॉन्च किया है. तो एक और लॉन्चिंग है मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस की बात आई है तो आई वुड रादर से कि आप सभी अब उसके स्टैटिक फैक्ट्स बिल्कुल शेयर कर सकते हैं. गो एक्टिव अब सर ये कैसे क्वेश्चन बनाएगा. देखिए मैम एज सच इतनी इम्पॉर्टेंट हम नहीं कहेंगे कि इसको गो एक्टिव को मतलब इस इन टर्म्स ऑफ कि इसमें क्या क्या प्रोस्पेक्ट एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं. डेफिनेट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है गो एक्टिव एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान किसके द्वारा किस इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया, बट गो एक्टिव प्लान में क्या क्या फैसिलिटीज दी जा रही है एज सच ये इम्पोर्टेंट नहीं बनती. तो यहां से बात करें सबसे पहले आपको आना है कि किस इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया. तो मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस ने अपनी डिजिटली इनेबल्ड एवरीडे यूज हेल्थ इंश्योरेंस प्लान मतलब कह सकते हैं कि डेली बेसिस पे एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को लॉन्च किया है मैक्स बूपा गो एक्टिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान. मोस्ट इंपॉर्टेंट गो एक्टिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान किस इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया. सो आंसर इज द मैक्स बूपा. मैक्स बूपा की बात करें तो है एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है. फाउंडेशन ईयर 2008, सीईओ आशीष मेहरोत्रा एंड द हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली. प्लीज फोकस मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यू दिल्ली में. और इसको एक लाइन में इंपॉर्टेंट बनेगा गो एक्टिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान किसके द्वारा लॉन्च किया गया. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से जो पॉइंट निकल कर आता है मैक्स बूपा के द्वारा इसे लॉन्च किया गया. एग्जैक्टली दैट मींस डायरेक्टली आप वन लाइनर के फॉर्मेट में इसको याद रखें गो एक्टिव बाय मैक्स बूपा. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट हेडलाइन. Vice President M. Venkaiah Naidu will inaugurate the 8th Global Theatre Olympics in New Delhi. उपराष्ट्रपति M. Venkaiah Naidu नई दिल्ली में 8वें Global Theatre Olympics का उद्घाटन करेंगे. So एक और इवेंट कल्चरल इवेंट सोशली बिल्कुल कनेक्ट करेगा क्योंकि ग्लोबल थिएटर ओलंपिक्स है तो ऑब्वियसली बात है कि ये बहुत सारी कनेक्टिविटीज और बेनिफिट सामने लेके आएगा. तो अब यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा इमेज से बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही है. नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इसे ऑर्गेनाइज कर रहा है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर टू एट थिएटर ओलंपिक है और जिसका मतलब कह सकते हैं आयोजन एक या दो दिन ही चलेगा. ये 17 फरवरी से लेकर 8th ऑफ अप्रैल तक चलेगा. इट मीन फरवरी मार्च और अप्रैल 8th अप्रैल तक दोस्तों इसका आयोजन रहेगा. ऑल ओवर इंडिया में इसे रहा है. इवन स्टिल इनॉग्रेशन न्यू दिल्ली में है बट ऑल ओवर इंडिया में इसके जो भी इवेंट्स हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाएंगे.
इम्पोर्टेंट किसके द्वारा इनोग्रेट किया जा रहा है, तो 8th ग्लोबल इंडिया जो समिट है, थिएटर ओलंपिक है, वो वेंकैया नायडू जी के द्वारा इनोग्रेट किया जाएगा, जिसका वेन्यू रहेगा न्यू दिल्ली में। आज 15th ऑफ फेब है, 17th ऑफ फेब को इनोग्रेट किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम बात करें तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर इंडिपेंडेंट चार्ज स्वतंत्र प्रभार एंड एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इट मींस इनके पास दो पोर्टफोलियो है, महेश शर्मा के पास दो मंत्रालय है, एक तो कल्चर मिनिस्ट्री है इनके पास और दूसरी एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के स्टेट मिनिस्टर है महेश शर्मा, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश। थिएटर ओलंपिक्स की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1993 में ग्रीस के डेल्फी से हुई थी। प्लीज रिमेम्बर थिएटर ओलंपिक्स की जो स्थापना हुई थी या एस्टेब्लिश्ड हुए थे वो 1993 में ग्रीस के डेल्फी से हुई थी। और ग्रीस की बात करें तो ग्रीस की कैपिटल है एथेंस, करेंसी यूरो। एग्जैक्टली, तो यहाँ से ग्रीस के भी स्टैटिक फैक्ट्स जुड़ जाते हैं और इसके अलावा ग्रीस के क्यों हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से हुई थी इसकी शुरुआत। सो होप यू आर गेटिंग ईच एंड एवरी फैक्ट वेरी क्लियर। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, क्योंकि हमें पता है कि आपको ये सेशन पसंद आता है और आप अप्रिशिएट करते हो हर एक हेडलाइन के डिस्क्रिप्शन को। सो यस, एक लाइक तो बनता है, सो डू क्लिक ऑन द लाइक बटन इफ यू हैवंट क्लिक्ड येट। हम बढ़ते हैं आगे अगली हेडलाइन की तरफ और ये रही थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन ऑन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री एंड मेडिकल डिवाइसेज। इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइस 2018 विल बी हेल्ड एट बेंगलुरु। फार्मा उद्योग और चिकित्सा उपकरणों पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी भारत फार्मा और भारत चिकित्सा उपकरण 2018 बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। तो अब एक और इवेंट है, और अगर हम देखें तो जीए गुरु भी अग्री करेंगे कि अगर पिछले दो दिन से बात करें तो डे बिफोर यस्टरडे अग्रीमेंट सेशन था, कल की बात करें यस यस्टरडे वाज द अचीवमेंट सेशन, और आज का इवेंट सेशन रहा है, क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स इनॉग्रेशन स्टार्टिंग और स्टार्टअप यहां पे पता चला। अब इस हेडलाइन से कितने क्वेश्चंस बनेंगे? देखिए अभी जो सिनेरियो एग्जामिनेशन का चल रहा है, जितने भी स्टूडेंट रेगुलर बेसिस पे एग्जाम दे रहे हैं उनको पता है कि जो जितनी भी कॉन्फ्रेंस है वो एग्जामिनेशन मारी। लास्ट अभी रिसेंट में क्लर्क का एग्जाम होता बैंक में, वहां पर दो कॉन्फ्रेंस पूछी गई थी और दोनों के वेन्यू पूछे जाते हैं एक तरीके से कि इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया जाता। तो यहाँ बात करते हैं थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन ऑन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री एंड मेडिकल डिवाइसेस, जिसका वेन्यू रहेगा बेंगलुरु में। अब देखिए पॉइंट यहाँ से समझना है कि इसका मतलब इंपॉर्टेंट कैसे है हमारे एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस ऑन फार्मास्यूटिकल मेडिकल डिवाइसेस, जिसका नाम है इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइस 2018 बेंगलुरु, इसका वेन्यू। थीम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनती है अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर। अगर आपने इमेज में गौर किया होगा तो इमेज में आपको साइड में दिख रहा था कि डेट क्या है, 15 से लेकर 17 जनवरी तक इसका आयोजन रहेगा। थर्ड इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस ऑन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जिसका नाम इंडिया फार्मा 2018 है। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर बात करें और फिक्की की बात करते हैं, तीनों ही मिलकर इसका आयोजन कर रहे हैं। प्लीज रिमेम्बर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर एंड फिक्की की बात करते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये तीनों ही मिलकर इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइस 2018 जो कि इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस ऑन फार्मास्यूटिकल मेडिकल डिवाइस है, जिसका आयोजन ये बेंगलुरु में कर रहे हैं। मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर की बात करें तो उनका नाम है अनंत कुमार और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है निर्वाचन क्षेत्र है बैंगलोर साउथ। प्लीज रिमेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड नेम ऑफ द मिनिस्टर। फिक्की की बात कर लेते हैं तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इज द फुल फॉर्म ऑफ फिक्की। फाउंडेशन ईयर 1927, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली एंड द प्रेसिडेंट राशिद शाह। प्लीज रिमेंबर नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, अभी न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट है फिक्की के, इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे वो पंकज पटेल थे, उनको रिप्लेस करके राशिद शाह हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यूली प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की। एग्जैक्टली, तो यहाँ पे फिक्की दोबारा आया है। कुछ दिनों पहले फिक्की ने एक और इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने में किसी ना किसी राज्य के साथ स्टेट के साथ सामने आया था। सो दैट ऑल्सो यू कैन कनेक्ट इट ओवर हियर, क्योंकि यही सारी कनेक्टिविटीज आपको वन बाय वन हर एक हेडलाइन का रिविजन भी कराती जाएंगी। हम बढ़ते हैं आगे हेडलाइंस के बाद टू द वेरी फ्रेम्ड क्वेश्चन फ्रॉम द फर्स्ट हेडलाइन टू द लास्ट वन, और देखते हैं कि आप आंसर अब फटाफट दे पाते हैं या नहीं। सो लेट अस सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। In which city R.K. Singh has inaugurated the Indian Power Stations 2018 and International Conference on Operations on Maintenance? R.K. Singh ने संचालन और रखरखाव पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारतीय ऊर्जा प्रतिष्ठान 2018 का उद्घाटन किस शहर में किया? न्यू दिल्ली, देहरादून, कानपुर, हैदराबाद या लखनऊ? तो यहाँ पर याद रखना है आपको इन न्यू दिल्ली आरके सिंह हैज इनॉग्रेटेड इंडिया पावर स्टेशन 2018 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस।
प्लीज रिमेम्बर 13 फरवरी 1982 की डेट को। और मेरे लिए आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है कि मैं दोबारा से पूछना चाहूंगा कि वो पावर स्टेशन कौन है जिसको स्थापना जिसकी पहली यूनिट की स्थापना की गई थी उत्तर प्रदेश में, और उसकी स्थापना दिवस के रूप में इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हर वर्ष 13 फरवरी को किया जाता है। वीडियो कम्प्लीट होने के बाद भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। एग्जैक्टली और बता सकते नहीं है, बताना ही है, क्योंकि तब जीए गुरु इसको चेक कर पाएंगे। तो यस, डू योर होमवर्क, पोस्ट योर आंसर, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ नोटेड राइटर एंड जर्नलिस्ट हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली? मशहूर लेखक और पत्रकार का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया? विक्रम कुमार, प्रभु सिंह, विनोद राज, कंचन कुमारी, मुजफ्फर हुसैन। तो मुजफ्फर हुसैन इज द नेम ऑफ नोटेड राइटर जर्नलिस्ट, इवन ये कहेंगे कि 2002 में जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था उनका हाल ही में देहांत हो गया। एग्जैक्टली, तो डायरेक्ट क्वेश्चन, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। इन विच सिटी इंडिया रशिया एग्रीकल्चर बिजनेस समिट वॉज हेल्ड? भारत रूस कृषि व्यापार सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ? गुरुग्राम, देहरादून, ग्वालियर, आगरा या न्यू दिल्ली? सो आंसर इज द न्यू दिल्ली। अगेन न्यू दिल्ली यहाँ पर वेन्यू रहा था, न्यू दिल्ली। इंडिया रशिया एग्रीकल्चर बिजनेस समिट वॉज हेल्ड। प्लीज रिमेम्बर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर कौन है, कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, और दोनों की ही कॉन्स्टिट्यूएंसी निर्वाचन क्षेत्र क्या है। कैबिनेट मिनिस्टर की बात कर लेते हैं तो राधा मोहन सिंह इज द मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के, एंड उनकी पूर्वी चंपारण बिहार उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अपार्ट फ्रॉम मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बात करें तो गजेंद्र सिंह शेखावत जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जोधपुर राजस्थान है। एग्जैक्टली, तो बहुत सारे फैक्ट्स रिवाइज्ड वंस अगेन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला बुल्ली रमैया हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज द डैश। बोला बुल्ली रमैया का हाल ही में निधन हो गया है, वे एक प्रख्यात क्या थे, सिंगर, पॉलिटिशियन, राइटर, स्विमर या क्रिकेटर? तो टीडीपी सीनियर लीडर या फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर वर्ड आया तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बोला बुल्ली रमैया वॉज द पॉलिटिशियन। 9वीं, 8th, 9th, 10th एंड 12th जो लोकसभा रही थी उनमें इन्होंने उलूरू उलूरू आंध्र प्रदेश से जीत प्राप्त की थी। एग्जैक्टली, तो फील्ड इज क्लियर, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। Which of the following Indian company has been selected as the world's most ethical companies for 2018 by the US-based think tank Ethisphere Institute? निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी को अमेरिका स्थित थिंक टैंक एथिस्फियर इंस्टीट्यूट द्वारा 2018 के लिए विश्व की सबसे नैतिक कंपनियों के रूप में चुना गया? टाटा स्टील, विप्रो, रिलायंस, बोथ 1 एंड 2 या ऑल 1, 2 एंड 3? तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट निकल कर रहा था वर्ल्ड की मोस्ट एथिकल कंपनीज में नाम आया इंडिया की 2 कंपनीज का, टाटा स्टील एंड विप्रो का, 135 कंपनीज में, और ये रिलीज किया गया यूएस बेस्ड थिंक टैंक एथिस्फीयर इंस्टीट्यूट। जो भी मालाफाइड जो भी बोनाफाइड वर्क होता है, जो भी पॉजिटिव वर्क होता है, जो एथिकली वर्क कंडक्ट किया जाता है, उसके बेसिस पे इनको ये रैंकिंग दी जाती है, उनके बेसिस पे इनको इसमें इंक्लूड किया जाता है। एग्जैक्टली, सो ऑप्शन नंबर 4 द राइट वन। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which insurance company has launched a digitally enabled new health insurance plan Go Active? किस insurance company ने अपनी digital रूप से सक्षम नई स्वास्थ्य बीमा योजना Go Active लॉन्च की है? Max Bupa, Aditya Birla, Tata AIG, ICICI Lombard या Bajaj Allianz? So answer is the Max Bupa health insurance company has launched its digitally enabled health insurance plan Go Active। है एक लाइन में बात करूँ Go Active - Max Bupa पे याद रखिए। Exactly. Let's proceed to the next one. Who will inaugurate the 8th Global Theatre Olympics in New Delhi? कौन नई दिल्ली में 8वें Global Theatre Olympics का उद्घाटन करेंगे? M. Venkaiah Naidu, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, महेश शर्मा या रविशंकर प्रसाद? So, Vice President of India M. Venkaiah Naidu will inaugurate 8th Global Theatre Olympics in New Delhi, क्योंकि 17th फरवरी से स्टार्ट होगा और 8th of अप्रैल तक ये चलेगा। Exactly. So, let us proceed to the last question of this session. In which city 3rd International Conference and Exhibition on Pharmaceuticals Industry and Medical Devices India Pharma and Indian Medical Device 2018 will be held? Pharma उद्योग और चिकित्सा उपकरणों पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी भारत फार्मा और भारत चिकित्सा उपकरण 2018 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? बेंगलुरु, देहरादून, कानपुर, हैदराबाद या लखनऊ? तो दोस्तों याद रखना है बेंगलुरु विल बी द वेन्यू फॉर द इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइस 2018, जो कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन भी है ऑन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री एंड मेडिकल डिवाइसेस। एग्जैक्टली, तो बहुत ही वन लाइनर, और जैसा हमने कहा बिल्कुल आज का सेशन इज इक्वल टू इवेंट सेशन, तो एक बार फिर से इसको देखेंगे सारे के सारे इवेंट्स को रिवाइज करने के लिए। कल थे अचीवमेंट्स, उससे पहले थे अग्रीवेंट्स, तो ये सारा अगर देखा जाए तो इस हफ्ते के सारे सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको दोबारा देखना और सारी हेडलाइंस को रिवाइज करना, रिकॉल करना बिल्कुल ना भूलें।
तो यहां से मैम बात कर रहे थे, एक न्यूज और है, इंडियन एम्बेसडर टू ब्राजील। याद रखिएगा दोस्तों, इंडियन एम्बेसडर टू ब्राजील कौन बने, एक छोटा सा होमवर्क है आपके लिए। जैसे हमारी वीडियो कंप्लीट होगी उसके बाद आफ्टर 2 आवर्स आपको एक पीपीटी मिलेगी अपडेटेड, जिसमें कि आपको एडिशनल फैक्ट भी मिल जाएंगे, जैसे हम कह सकते हैं कुछ नेशनल पार्क भी ऐड हो जाएंगे इस पीपीटी में, और एक न्यूज और इसमें ऐड करके आपको मिलेगी इंडियन एम्बेसडर टू ब्राजील। आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है कि कौन यहाँ पर इंडिया एम्बेसडर टू ब्राजील बने। एग्जैक्टली दैट मीन्स ये एक बहुत अच्छा फैक्टर है। वी हैव डिस्कस्ड 8 हेडलाइंस, लेकिन आपको जो पीपीटी मिलेगी उसमें मिलेंगे एडिशनल हेडलाइंस 2, और इसके अलावा होमवर्क में 2 क्वेश्चंस हैं। आज एक और क्वेश्चन जुड़ गया है इंडियन एम्बेसडर टू ब्राजील का, सो टाइप एंड पोस्ट योर आंसर सो दैट जे गुरु कैन रेक्टिफाई और वो बता सके कि सही है या नहीं। हम करते हैं इस सेशन को अभी यही खत्म। डू क्लिक ऑन द लाइक बटन इफ यू हैवंट क्लिक्ड येट, कमेंट करें इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और बिल्कुल इवेंट सेशन के रूप में इसको टैग कर सकते हैं। न्यू व्यूवर्स डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड गेट एक्वेंटेड विद ऑल आवर वीडियोस व्हिच वी आर अपलोडिंग फॉर योर बेनिफिट। हम मिलेंगे कल सुबह 7 बजे फिर से, तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, भूलेगा मत। योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू सो मच।